ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार अष्टमी तिथि पूरे दिन और रात्रि तक लगी रहेगी। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में सुबह 8:38 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, धनी, आशावादी, दयालु, मजबूत शरीर वाले और प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे जातक सतर्क रहने वाले, प्रबल इच्छा शक्ति वाले, व्यवहारिक मामलों में उदार, वचनबद्ध रहने वाले, खेल तथा संगीत के प्रेमी, नेतृत्व प्रधान कार्य करने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शनि और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात्रि 10:20 तक मकर राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके राशि स्वामी शनिदेव हैं। आज भी पूरे दिन चंद्रमा की युति केतु के साथ रात्रि 10:20 तक लगी रहेगी, मगर नक्षत्र मंगल का होगा, जिससे हर कार्य धैर्यपूर्वक करने में सहूलियत मिलेगी। प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति साथ देंगे, धैर्य और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और अधिकारियों का विभागीय सहयोग बना रहेगा। नेतृत्व प्रधान मानसिकता का विकास होगा और किसी समारोह में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, मगर वाणी की मधुरता बनाए रखें और पारिवारिक सामंजस्य में भावना प्रधान प्रवृत्ति आवश्यक होगी। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए कुंभ के मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि से मंगल कुंभ राशि में 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। हालांकि कर्क राशि के लिए मंगल अति योग कारक होते हैं, मगर 8वें भाव में चलने से स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता के साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में बाधा, समय समय पर हतोत्साहित होने की भावना, आत्मविश्वास में कमी, अनावश्यक धन खर्च और अनचाही यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है और अष्टम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, जिससे बंधु बांधवों से मतभेद या वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि मंगल की सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ने से धन संबंधी मामलों में येन केन प्रकारेण धन की उपलब्धता को स्थिर रखने की कोशिश बरकरार रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता, हथियार, अस्त्र शस्त्र व नुकीली चीज़ों से चोट लगने की संभावना बनती है। यदि बिजली के उपकरण को ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है तो विशेष सावधानी बरतें, बिजली का झटका लगना या करंट लगने की संभावना भी बनी हुई है। कुटुंब और पारिवारिक रिश्तों में आपसी मतभेद और वाद विवाद को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। उपाय में क्या कर सकते हैं, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा रोज करें, केले के पौधे में जल डालें और हर सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करें, नकारात्मक विचारों में कमी आएगी और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी, आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी और संबंधित मामलों में मानसिक दबाव महसूस होगा, आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, साझेदारी में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे, अपेक्षा के अनुरूप सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। संतान संबंधी चिंता महसूस होगी, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मन मुताबिक रहेगा, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और निजी निवेश की प्रेरणा बनी रहेगी। वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए, आय संबंधी मामलों में नए विकल्प दिखाई देंगे, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, प्रतियोगी भावना विकसित होगी और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी, मगर कार्य योजनाओं के लिए तात्कालिक निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। पारिवारिक संबंधों में मधुरता कायम रहेगी और धार्मिक यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, संतान संबंधी मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में मन लगेगा, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि वाले जातकों के उद्देश्यों की पूर्ति में आ रही रुकावटें खत्म होंगी, मगर मन में नकारात्मक विचारों का दौर जारी रहेगा और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी, कार्यों में विरोध का सामना करना पड़ सकता है, मगर साझेदारी के कामों में लाभ और कार्य योजनाओं के विकास में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है, साथ ही रचनात्मक कार्यों में निजी निवेश लाभदायक रहेगा,
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, भावनात्मक लगाव कायम रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। अनचाही यात्राओं का योग भी बनता है। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता का उद्देश्य पूरा होगा। साझेदारी में भी लाभ संभव है। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सकारात्मक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें। आपसी संबंधों के सकारात्मक तालमेल में कमी आएगी और वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को प्रयासों में बल मिलेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और व्यावसायिक विकास का संकेत मिलता है। मगर साझेदारी के मामलों में सावधानी अपेक्षित है। निजी संबंधों में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र के प्रति विकास और रचनात्मक पहल करने के उद्देश्य में व्यस्तता बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। कन्या राशि के राशि स्वामी बुध बृहस्पति के साथ तीसरे भाव में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बेहतर महसूस करेंगे। बौद्धिक क्षमता के साथ आर्थिक लाभ और निजी सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी। व्यावसायिक उत्थान का संकेत मिलता है, मगर मां के स्वास्थ्य संबंधी चिंता लगी रहेगी और मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना संभावित है। हालांकि नई कार्य योजनाओं और व्यावसायिक उत्थान के उद्देश्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में निरंतरता बनाए रखें और साझेदारी के कामों में लाभ की संभावना बनती है। तुला राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। विकास और आवश्यक संसाधनों में सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों से लाभ संभव है। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे और आर्थिक लाभ की स्थिति संतुष्टि दिलाने वाली होगी, मगर विचारों में उद्वेग और जल्दबाजी की भावना संभावित है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी अपेक्षित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आत्मविश्वास सुचारू ढंग से चलते हुए कामों में मदद करेगा, मगर अनावश्यक मानसिक चिंता और शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार के प्रति संजीदगी बनी रहेगी। विभागीय कार्यों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करेगा और मन मुताबिक लाभ की दर बढ़ी रहेगी। निजी निवेश की योजनाओं का सृजन होगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुकूल होगा। धनु राशि के जातकों की प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य ऊर्जा क्षेत्र के विकास को गति देंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति बरकरार रहेगी। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना कुछ मामलों में लाभदायक स्थिति पैदा कर सकता है। कुछ कामों में पारिवारिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। सरकारी कामकाज अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। घर गृहस्थी में तनाव, विचारों में भिन्नता और अपव्यय का संकेत भी मिलता है। कार्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और नई कार्य योजनाओं के लिए विभागीय सहयोग बना रहेगा। आपके प्रयासों में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी कायम होगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल होगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। आर्थिक लाभ के कई अवसर विकसित होंगे, साथ ही साथ कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। हालांकि विभागीय अधिकारियों का सहयोग भी आपकी कार्य क्षमता को सुधारने वाला होगा।
आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में अनावश्यक यात्रा के साथ साथ रुकावट या वाद विवाद की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला होगा, मगर सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों को अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, मगर निजी निवेश और कार्य क्षेत्र से संबंधित संसाधनों में लाभ की स्थिति संभावित है। कार्य योजनाओं की धीमी गति में सुधार की जरूरत होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन के नकारात्मक विचारों और भ्रमात्मक स्थिति से दूर रहना चाहिए। आर्थिक मामलों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें और संतान संबंधी मामलों में चिंता और अनावश्यक यात्रा का संकेत भी मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।